हेलो क्लास 11, वेलकम बैक टू आवर चैनल शिक्षक जंक्शन, क्योंकि अब नहीं तो कब। दिस इज आयुषी अग्रवाल एंड यस वी विल कंटिन्यू आवर टॉपिक ऑन द एंजाइम्स। हम एंजाइम्स में अपना बहुत कुछ स्टडी कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक ब्रीफ रिकैप भी दिया था कि हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे, है ना, सबको याद होगा। अब जब हम इतना सब कुछ अपने एंजाइम्स के बारे में पढ़ चुके हैं, तब अब हमें ये भी पता करना पड़ेगा एक्चुअली में कि हमारी बॉडी के अंदर नहीं, इनफैक्ट किसी भी लिविंग सिस्टम में, चाहे वो इन विवो हो या फिर इन विट्रो हो। अब देखो, लेक्चर के स्टार्टिंग में ही मेरे को कुछ नई टर्मिनोलॉजीज मैंने आपसे बोल दी है ना। इन विवो और इन विट्रो में क्या अंतर होता है, पहले तो आप वो समझिए। बहुत सारी जगह आपको ये दोनों टर्मिनोलॉजीज मिलेंगी, क्या है इन विवो और दूसरा होता है इन विट्रो, ठीक है। लैटिन में लिखा इटैलिक्स में ही लिखे जाते हैं ये, जब हम अपने टाइपिंग में करते हैं। अभी मैं नहीं लिख सकती तो ऐसे ही लिखा है मैंने। इन विवो का मतलब है लिविंग सिस्टम में वो प्रेजेंट है, वो लिविंग सिस्टम मतलब हमारी बॉडी के अंदर ही हम वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब होता है इन विवो। इन विट्रो का मतलब है सिस्टम तो लिविंग है बट इट इज नॉट प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी, इट इज ऑन द बेंच। वी आर डूइंग द एक्सपेरिमेंट्स इन द लैबोरेटरीज ऑन द बेंच एंड वी हैव आर्टिफिशियली मेड दैट पर्टिकुलर सिस्टम, तो उसका मतलब होता है इन विट्रो, ठीक है। आज के लेक्चर में दो नई टर्मिनोलॉजीज, दो नई चीजें सीखने को मिली आपको, है ना। चलो अब देखो क्या मैं आपको बताने वाली हूँ। मैं आपसे कह रही हूँ कि हमारे सिस्टम के अंदर अब जो एंजाइम्स प्रेजेंट होंगी, आपको पता होना चाहिए कि वो एंजाइम्स कितने अमाउंट में प्रेजेंट हैं। उसी एंजाइमेटिक अमाउंट को देखने के लिए हम क्या पढ़ने वाले हैं आज, किस तरीके से हम वो मेजर करेंगे, और वो किलोग्राम, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम में मेजर नहीं होती है। एंजाइम्स को क्वांटिफाई करने के लिए यू हैव सर्टेन स्पेसिफाइड यूनिट्स एंड दोज यूनिट्स आर इंक्लूडेड अंडर दिस एंजाइम एक्टिविटी, ठीक है। उसी चीज को मैं आपके साथ अब डिस्कस करने वाली हूँ। तो जैसा कि मैंने अभी बोला, एंजाइम्स इतनी ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट नहीं होती हमारे सिस्टम के अंदर, दे आर प्रेजेंट इन वेरी माइन्यूट क्वांटिटीज। क्यों? क्योंकि उन्हीं एंजाइम्स को बाद में रिसाइकिल हो जाना है और फिर से वही रिएक्शन कैटालाइज करनी है। ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी है एंजाइम्स की, ध्यान रखेंगे। आपकी एंजाइम जो है रिएक्शन में यूज नहीं होती, सिर्फ उनको कैटालाइज करने का काम करती हैं। तो हम अपनी एंजाइम्स को कैसे क्वांटिफाई करने वाले हैं, कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं जिनके बेसिस पर हम अपनी एंजाइम्स को जो है वो करेंगे क्वांटिफाई। उस क्राइटेरिया में जो सबसे पहला आता है वो आता है एंजाइम यूनिट, और इस एंजाइम यूनिट को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल यू। आप पूरी डेफिनेशन में नहीं बताऊंगी, चीजों को समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आधा पढ़ाऊंगी। कैसे हम इस एंजाइमेटिक यूनिट को, इस एंजाइम यूनिट को डिफाइन कर सकते हैं, वन एंजाइम यूनिट इज इक्वल्स टू 1 माइक्रोमोल पर सेकेंड, नहीं पर मिनट, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, 1 एंजाइम यूनिट इज 1 माइक्रोमोल पर मिनट। अरे इसका क्या मतलब हुआ, सिर्फ इतनी सी बात से कैसे डिफाइन हो सकता है, तो हाँ सिर्फ इतनी सी लाइन से, ये जो इतना सा मैंने डब्बे में बनाया है, इंक्लोज किया है, इसी से आप डिफाइन कर सकते हैं 1 एंजाइम यूनिट। कैसे? द अमाउंट और द क्वांटिटी ऑफ एंजाइम दैट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 माइक्रोमोल ऑफ सब्सट्रेट पर मिनट इज डिफाइंड एज 1 यूनिट ऑफ एंजाइम। फिर से, द अमाउंट ऑफ एंजाइम दैट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 माइक्रोमोल ऑफ सब्सट्रेट पर मिनट इज डिफाइंड एज 1 एंजाइम यूनिट। दिस इज हाउ यू डिफाइन द एंजाइम यूनिट एंड इट इज अ वे टू क्वांटिफाई द एंजाइम प्रेजेंट इन एनी ऑफ द सिस्टम, ठीक। ये तो हो गई एक। अब क्या एक ही यूनिट है या एक ही ऐसा तरीका है जिससे हम एंजाइम को मेजर क्वांटिफाई कर सकते हैं? नो, यू हैव वन अनदर यूनिट, उसको आप क्या बोलते हैं, कैटल, KATAL। ये KETTLE वाला कैटल नहीं है, KATAL वाला कैटल है। इस कैटल को अगर आपको लिखना है तो यू विल राइट इट एज कैट, और वन कैट को आप कैसे डिफाइन करोगे, जैसे यहाँ पर हमने लिखा 1 माइक्रोमोल पर मिनट, कैट को अगर आपको डिफाइन करना है तो इट विल बी 1 मोल पर सेकेंड।
अगेन द सेम थिंग, वन कैट इज द अमाउंट ऑफ एंजाइम दैट कन्वर्ट्स द वन मोल ऑफ सब्सट्रैट इनटू प्रोडक्ट इन वन सेकेंड. हम एंजाइम यूनिट्स को हमेशा ही अपने सब्सट्रैट के टर्म्स में स्पेसिफाई करते हैं क्योंकि एंजाइम को एज इट इज मेजर नहीं किया जा सकता. उसको वो एंजाइम सब्सट्रैट को कैसे कन्वर्ट कर रही है उसी के टर्म्स में आप अपनी एंजाइम यूनिट्स जो हैं वो देंगे. ठीक है, ये तो हो गई बात हमारी एंजाइम्स यूनिट्स की. इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आती है इसी एंजाइम के टर्म्स में, वो होता है स्पेसिफिक एक्टिविटी. मैंने क्यों बोला कि ये स्पेसिफिक एक्टिविटी एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है स्टडी करने के लिए, क्योंकि ये दोनों तो बस ये बताना है कि एंजाइम्स कितनी हैं. एंजाइम की प्यूरिटी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाती है ये डिसाइड करने के लिए कि वो एंजाइम कैसे काम कर रहा है ना. जैसे गोल्ड की प्यूरिटी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाती है उसको लेने के लिए. अब वो आप मार्केट से बाय कर रहे हैं तो उसको आप उस नज़रिए से देखेंगे. एंजाइम्स की प्यूरिटी क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि याद करो आप जिन बच्चों ने शुरू से चैनल को वॉच किया है स्पेशली बायोटेक के लेक्चर्स को, मैंने फर्स्ट लेक्चर्स में बताया था जो इनिशियल लेक्चर्स थे एकदम, जब हमने ओवरव्यू डिस्कस किया था कि बायोटेक इज एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड एंड विद इन दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू विद टू इंपॉर्टेंट फील्ड्स दैट आर डीएसपी डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग. वहां पर हमें वो लास्ट के स्टेप्स होते हैं अपने पूरे प्रोसेस में जब हमें हमारा प्रोडक्ट मिलने वाला होता है. वहीं पर जब आप प्रोटीन्स का क्वांटिफिकेशन करते हैं, व्हेनेवर यू आर मेकिंग द प्रोटीन और हमें पता है प्रोटीन की इंपॉर्टेंस क्या होती है हमारे सिस्टम में, तो वहां पर जो हमारी स्पेसिफिक एक्टिविटी है वो काम में आती है स्पेशली in order to design the purity of that particular enzyme. बाकी सब कुछ चीजें तो सेम ही रहेंगी जो अभी अभी हमने यहां पर पढ़ी. Quantity specified नहीं है, but yes, the very thing that gets specified in this specific activity वो क्या है. पहले मैं आपको एकदम टू कॉपी डेफिनेशन बताऊंगी. अभी तक मैं ऐसा नहीं करती हूँ, बट क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं आपको डेफिनेशन भी बता रही हूँ. इट इज defined as the moles of product formed by an enzyme in a given time under given conditions. अब जो important है वो लिख लीजिए, वो है per milligram of protein. पर मिलीग्राम ऑफ प्रोटीन में एंजाइम कितने मोल ऑफ सब्सट्रैट को उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में अंडर गिवन कंडीशंस कन्वर्ट कर रही है उसको बोलते हैं हम स्पेसिफिक एक्टिविटी. या फिर उसको दूसरी तरह से ले लीजिए, वो एंजाइम कितना मोल ऑफ प्रोडक्ट बना रही है इन अ गिवन टाइम अंडर स्पेसिफाइड कंडीशंस पर मिलीग्राम ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर सिस्टम इज डिफाइंड एज द स्पेसिफिक एक्टिविटी. इसी ने यहां पर स्पेसिफिक लगाया है हमने. किसके टर्म्स में स्पेसिफिक है वो, प्रोटीन्स के टर्म में, बिकॉज वी ऑल नो दैट एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट अ स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन्स दैट हैव द कैपेबिलिटी टू कैटलाइज द रिएक्शन. ठीक है, समझ में आया ना कि हम एंजाइम्स को कैसे कैटलाइज कर सकते हैं, सॉरी कैटलाइज नहीं, कैसे क्वांटिफाई कर सकते हैं. और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें पता होना चाहिए कितना अमाउंट ऑफ एंजाइम यूज हो रहा है हमारे सब्सट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए. ठीक, अगर समझ में आया हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर सच मोर इंटरेस्टिंग लेक्चर्स. ऑल दीज लेक्चर्स आर इम्पोर्टेंट नॉट ओनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर बोर्ड एग्जाम्स और द CBSE एग्जाम्स और ICSE एग्जाम्स, बट दीज पर्टिकुलर लेक्चर्स आर इम्पोर्टेंट फॉर द नीट ऑल्सो. वाई, बिकॉज एंजाइम एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आप अभी का ले लीजिए या फिर आप हायर स्टडीज का ले लीजिए. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आई थिंक इंटरेस्टिंग भी आपको लग रहा होगा, है ना, तभी आप लोग अच्छे से लेक्चर्स को वॉच कर रहे हैं. सो डू कंटिन्यू दैट विद द चैनल. वी विल मीट अगेन विद येट अनदर इंपॉर्टेंट लेक्चर दैट इज द काइनेटिक्स ऑफ द एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन. उसमें बहुत सारी नई नई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी. सो वी विल सी यू इन दैट पर्टिकुलर लेक्चर. टिल देन हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू. टेक केयर. बाय बाय. थैंक यू.